यार मुझे समझ ही नहीं आता कि हरी चिली पटेटो बनाने के लिए लोग फ्रेंच फ्राइज क्यों यूज़ करते हैं। अब इतनी सिंपल सी डिश है और उसको सिर्फ आलू डालकर ही महंगा बना देते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि अब इसमें हनी भी डालना है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा मिडिल क्लास है वो कभी हनी चिली पटेटो घर में बना ही नहीं सकता। 50 रुपये की डिश है यार, क्यों 150 रुपये खर्चने। तो यहाँ मैं आपको एक और सीक्रेट बता रहा हूँ, हनी चिली पटेटो को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आज हम यूज़ कर रहे हैं राइस फ्लार का। नहीं सुना होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस मैं आपको देता रहूँगा, बस आप चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मुझे रंग रूंग के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है बिना वक्त डिश को महंगा बनाने की। अगर है तो यूज़ करो, नहीं है तो ना सही। तो हनी की जगह आज हम डालेंगे कैरमल, और कैरमल बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है बस। पैन को मैंने ऑन कर दिया, ये चीनी मैं इसमें डाल रहा हूँ, करीबन 2 चम्मच चीनी। अब आप देखिए सॉस काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आज मैं ये सारे मिथ दूर कर रहा हूँ और 2 नए तरीके आपको बताऊंगा ये हनी चिली पटेटो बनाने के। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, बनाने में 20, 25, 30 मिनट लगेंगे। अब 30 मिनट तो होते ही होंगे आपके पास। सबसे पहले मेरे पास है ये आलू, और आलू स्लाइस कीजिए। तो ये मीडियम साइज़ के आलू मैंने ले लिए, फिंगर्स वगैरह में काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप सिर्फ मोटा मोटा स्लाइस कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। सो बेसिकली उतना मोटा काटना है आपको जितना फ्रेंच फ्राइज मोटा होता है। मोटा इसीलिए कि जब हम इसे ब्लांच करेंगे और फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो ये बात का खास ध्यान रखें आप। देर नहीं लगनी चाहिए, घड़ी चालू है, आपकी भी चालू होनी चाहिए, मेरे साथ साथ खाना बनाइए। सो ये इतने काफ़ी हैं क्योंकि इसके ऊपर बैटर भी लगेगा तो ये काफ़ी मोटे हो जाएंगे। तो अब ये आलू सीधे जाएंगे इस पानी में जो मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। साथ में डालते हैं थोड़ा नमक, आलू में नमक डालना ज़रूरी है, तो 1/2 चम्मच। तो आलू बनने लगे हैं, मैं इसे मंदा कर रहा हूँ और एक बैटर बना लेते हैं जल्दी से। तो ये मैं फ्लार इसमें डाल रहा हूँ, ये 2 चम्मच फ्लार मैं इसमें डाल रहा हूँ, ऐसे भर के डालने हैं आपको। एक पार्ट हो गया फ्लार, अब हम इसमें डालेंगे इसका दुगना कॉर्नफ्लार, और मैं इसे और क्रिस्प बनाऊंगा, और मैं इसमें डाल रहा हूँ ये राइस फ्लार। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं, ये पानी इसमें गया, पहले थोड़ा डालेंगे, लीजिए मैं इसे मिलाना शुरू करता हूँ। तो ये लीजिए 2 मिनट लगे हमें, ये एक बैटर तैयार हो गया, ये देखिए ऐसा पोरिंग पतला बैटर हमको इसके लिए बना लेना है। ये देखिए बैटर तैयार हो गया, पर इसमें कुछ नमक मिर्ची तो डाला नहीं, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, आलू में भी नमक है, सॉस में भी नमक होगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और साथ में मेरे पास है ये हाथ से पिसी हुई काली मिर्च, और साथ में थोड़ा सा और यू नो इसको बढ़िया बनाने के लिए ये डाल रहा हूँ मैं चिली फ्लेक्स। बस हमने इसको ऐसे मिला दिया, कितना बढ़िया दिख रहा है ये देखिए। तो ये बैटर को हमने साइड में रख दिया है, आलू हमारे हाफ डन हो गए होंगे, ये आलू तैयार हो गए हैं, इसे मैं निकाल के ऐसे एक जाली पे रख लेता हूँ। तो 2 तैयारी हो गई हैं, अब थोड़ी सी सब्जी काट लेते हैं। सबसे पहले ये शिमला मिर्च काट लेता हूँ मैं, तो जितना आलू का साइज़ है उसी हिसाब से हम इसको ऐसे ऐसे मोटा मोटा काटेंगे। ये देखिए अब मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, एक छोटा सा पीस डाल लेते हैं इसका, जिसकी वजह से थोड़ी कलर आ जाएगा। और अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी ये येलो वाली भी शिमला मिर्च। अब इसके बाद ले लेते हैं एक प्याज, एक ऐसे और एक ऐसे, बस लीजिए प्याज भी तैयार हो गई। तो सब्जियाँ कट गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, ये मेरे पास हरी और लाल दोनों हैं। अब बारी आती है उस चीज़ की जिसकी वजह से 99% लोग घर में हनी चिली पटेटो नहीं बनाते। मैंने बताया था ना आपको कि हनी लाना पड़ेगा, फ्रेंच फ्राइज़ लाने पड़ेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, आपको बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खरीदने। क्यों खरीदें यार इतने महंगे फ्रेंच फ्राइज़ एक छोटी सी हनी चिली पटेटो बनाने के लिए। और अब मैं आपको हनी का भी सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो हनी की जगह आज हम डालेंगे कैरमल, और कैरमल बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है बस। पैन को मैंने ऑन कर दिया, ये चीनी मैं इसमें डाल रहा हूँ, करीबन 2 चम्मच चीनी। अब इस पैन को आप बिल्कुल छुए ना, अगर आप इसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ करेंगे तो कैरमल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस चीनी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखिए आँच बिल्कुल मंदी है, मैंने
सबसे छोटा वाला बर्नर यूज़ किया है, और मेरी बाकी रह गई थी अदरक और लहसुन चॉप करनी, तो वो मैं अब कर लेता हूँ। ये सारी अदरक को अब आप फाइन फाइन चॉप कर लीजिए। तो अदरक हो गई, अब कर लेते हैं लहसुन भी, यानी गार्लिक। ये जल्दी जल्दी हम इसको ऐसे चॉप कर लेते हैं। तो अब बारी आती है बैटर में आलू फ्राई करने की, जिसके लिए मेरे पास ये कढ़ाई तैयार है तेल की। इसे मैं प्यार से ला के गैस पे रख देता हूँ। मेरे पास ये लोहे वाली कढ़ाई है, अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है। तो कढ़ाई रखते ही दूसरी तरफ आते हैं पैन पे। ये देखिए, ये कैरमल अब तैयार हो गया है। बस अब हम इसे हल्का सा ऐसे स्टर करेंगे, जिससे कि ये इवनली मिक्स हो जाए। अब मेरे पास गर्म पानी तैयार है, और मैं इसमें डालूंगा ये गर्म पानी। तो लीजिए जी, ये कैरमल आपका तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा और रिड्यूस होने देते हैं। तो अब ये कैरमल थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, पर मुझे लगता है हमें इसे इससे ज़्यादा कलर नहीं करना। मैं इसको इस समय ऑफ़ कर रहा हूँ, और मैं इसमें एक चम्मच चीनी डाल देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सिरप जैसा हो जाए। तो शुगर डालने के बाद इसे थोड़ा चला दीजिए ऐसे। ये देखिए, पूरा सिरप जैसा बन गया है। ये चीनी अपने आप इसमें घुल जाएगी, और आप देखिए कितना होम स्टाइल शहद बन गया है। तो अब एक डिश ले लेते हैं, मैंने तैयारी करके रखी है, तो आप भी अपने किचन में तैयारी कीजिए। ये आलू मैं इसमें डाल रहा हूँ अब, और इसको मैं हल्के से कॉर्नफ्लावर के साथ डस्ट कर दूंगा। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, और इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे मिला देंगे। आलू टूटने नहीं चाहिए, पर कॉर्नफ्लावर हर आलू पे बराबर से लग जाए। और इस आलू को एक बार फिर से इस जाली पे गिरा लेते हैं, थोड़ा कुछ लगा है एक्स्ट्रा तो उतर जाएगा। अब ये आलू गए बैटर में, और इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये बैटर हमारे आलू पे इवनली कोट हो जाए। ये देखिए, तो अब ये आलू हम इसमें तेल में डालना शुरू करते हैं। तेल का टेम्परेचर देखिए मीडियम है, तो ये आलू फटाफट जाएंगे अंदर। और इन आलू को अब हम इस डिश में ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही टेस्टी आलू तैयार हो गए हैं। 20 मिनट 5 मिनट बाकी हैं। अब बस हनी चिली पटेटो को टॉस करना है। ये पैन मैंने यहाँ रख लिया है, इसे ऑन करते हैं आँच तेज़ पर, और अब मैं इसमें डालूंगा ये रिफाइंड ऑयल। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। अब पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये अदरक और लहसुन। इसे बस हल्का सा सौते किया हमने, और इसमें डाल दी अपनी बाकी सारी ये सब्जियाँ। अब चाहें तो आप पहले सॉस बना लें, या फिर इन सब्जियों को सौते कर लें। मुझे सब्जियां सौते करना थोड़ा अच्छा लगता है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये पानी, ये ठंडा पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ। पानी मैंने डाल दिया, अब 2 मिनट लगने चाहिए आपको ये डिश ख़त्म करते हुए। तो मेरे पास है ये कैचअप, हनी चिली पोटेटो के लिए कैचअप आप ज़रूर डालेंगे। ये मैं 2-3 चम्मच कैचअप इसमें डाल रहा हूँ, साथ में थोड़ी काली मिर्च, नमक भी। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चिली पेस्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया। सोया से इसका कलर एकदम से चेंज होगा, देखिए इसका कलर बहुत ही बेहतरीन हो गया है। अब हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, और इसी बीच में हम इसमें डाल देंगे अपना ये कैरमल, जो हमने बड़े प्यार से बनाया हुआ है। ये देखिए, पता भी नहीं चला घुल गया इसमें, पर इसका जो फ्लेवर आएगा ना, उसका मुकाबला नहीं है। अब एक और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, हमारा ये बैटर बच गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे फेंकना पड़ेगा, एक बार और कॉर्नफ्लावर मिक्स करना पड़ेगा आपको इसे थिक करने के लिए। आप बस सिंपली ये बैटर उठाइए, और इसमें थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए। ये भी वही काम करेगा जो आपका कॉर्नफ्लावर करता। बस आपको इसे ऐसे चलाते रहना है, क्योंकि बैटर में कॉर्नफ्लावर ही है ज़्यादा करके, तो ये इसे थिक कर देगा। और एक चीज़ मैं जो अपनी किचन में हमेशा हमेशा रखता हूँ चाइनीज़ खाना बनाने के लिए, वो है ये एरोमेट। अभी सॉस हो गई अच्छी तरह गाढ़ी, स्प्रिंग अनियन बाकी है, इसकी वजह से और खूबसूरती आएगी हमारे हनी चिली पोटैटो में। साथ में डाल रहा हूँ और चिली फ्लेक्स, ये लीजिए। बस अब इसमें आलू उठा के सीधे डाल देते हैं, और इसे देते हैं एक फाइनल टॉस। ये देखिए, गैस को मैंने कर दिया है ऑफ, और मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ ये मेरी फेवरेट खूब सारी स्प्रिंग अनियन। अब हम इसे जल्दी से एक प्लेट में करते हैं सर्व।
और कर देते हैं थोड़ी स्प्रिंग अनियन की बारिश। तो बनाइए हनी चिली पटेटो, बिल्कुल नई रेसिपी से यार। किसी की कॉपी क्यों करनी जब अपनी बना सकते हैं। इंटरनेट पे तो बहुत सारी हैं, पर जब घर में इतनी सस्ती रेसिपी बना सकते हैं तो क्यों कॉपी करना। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।